अरे ब्लॉग ब्लॉग है ब्लॉग यूट्यूब पे डालने के लिए ऐसे नहीं बना रहे यार। तो कोई चोरी कोई कर रहे हो आप लोग, ये डर रहे हो। पे हरियाणा में हूँ ना मैं, तो यहाँ पे लोग मतलब जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी खतरनाक वाली होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा डर भी लगता है। वैसे भी मैं सॉफ्ट वाला और यहाँ की लैंग्वेज। सो हेलो दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज हमारा लास्ट डे है रामनगर में, और ये थी मेरी शीट जहाँ पे मैं बैठता था, मतलब लैपटॉप पे वगैरह। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं क्योंकि गाड़ी आ चुकी है, अभी 5:15 हो रहा है, और अभी मिलते हैं आगे आपसे। तो अभी यहाँ पे आ चुकी है गाड़ी और उठ चुके हैं आज तो सब जल्दी जल्दी, अभी बस निकल ही रहे हैं यहाँ से। सो हम हो चुके हैं रेडी, और दादी बैठ चुकी है गाड़ी में, और ये हैं मम्मी जी, चाची जी, हमको भाई साहब बाय बाय सो रखे अभी, बाय डॉलर। चलो फिर चलो, तो हम आगे ही बैठ जाते हैं, दादी पीछे। चलो अभी हम निकल चुके हैं घर से, और जो मौसम है वो बड़ा ही मस्त हो रखा है। अभी देखो बारिश कहाँ पड़ती है। अभी हमने इंटर कर लिया है यूपी में, और उत्तराखंड की जो याद है वो अब बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम स्पेंड मतलब कर लिया है यहाँ पे। और जो फैमिली की जो मतलब हालत थी, और मतलब क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हमें, 3-4 महीने हो गए थे यार घर पे, तो इसलिए अब फैमिली वाले भी मतलब इमोशनल हो रहे थे, कल से इमोशनल थे वो। तो मैं इसलिए मैं ज़्यादा मतलब ब्लॉग में घर पे नहीं कर पाया, इसलिए मैंने घर से ज़्यादा शूट नहीं किया। तो अभी हम रास्ते में पहुँच चुके हैं, और आज मेरे साथ हैं लक्की भाई यहाँ पे, और दादी जी को हमने पीछे बिठा रखा है, अकेले दादी जी मस्त करके बैठी हुई है। तो जो लक्की भाई है वो है पिथौरागढ़ से, और ये अपना टैक्सी का बिजनेस करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और अभी दिल्ली जा रहे हैं। तो इनको आपको मैं इनका नंबर भी शेयर करूँगा, अगर आपको कभी दिल्ली से अगर उत्तराखंड आना हो, कहीं भी आना हो, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे जो हैं ये पर्सन हैं, और अभी रामनगर से इतनी दूर आ गए हैं, और मतलब इन्होंने अभी तक मतलब ऐसा शो नहीं होने दिया कि मतलब आप मतलब अजनबी है ना, तो ये मतलब एक जो ड्राइवर में क्वालिटी होती है बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। तो अभी हम रुके हैं इधर, ये साईं बाबा जी का ढाबा जी है, तो ये ढाबा में रुके हैं हम यहाँ पे। जो भाई साहब है हमारे गाड़ी वाले, तो वो अभी कर रहे हैं नाश्ता वगैरह, चाय वाय पी रहे हैं, और दादी जी है अंदर। तो कैसा लग रहा है वाला आपको दिल्ली जाते हुए? बेकार लग रहा है। हाँ। किले वाले बढ़िया लग रहा है। अच्छा, अपने घर में सही लग रहा था। हाँ, तो किसने बोला आपको फिर यहाँ आओ? नाती तो गंदे होते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है हम चाय के दीवाने हुए, तो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ मैंने और भैया जी ने यहाँ पे चाय ऑर्डर किया। तो अभी हमने एंटर कर लिया है अब दिल्ली हाईवे पे, और यहाँ से अब हम दिल्ली की सवारी करने वाले हैं यहाँ पे। और जो वेदर है ना, जो क्लाउड देख रहे हो आप, कितने मस्त लग रहे हैं यहाँ पे।
अरे ब्लॉग ब्लॉग है, ब्लॉग यूट्यूब पे डालने के लिए ऐसे नहीं बना रहे यार। तो कोई चोरी कोई कर रहे हो आप लोग, क्यों डर रहे हो? तो अभी हम पहुंच गए हैं इस घाट पे। तो यहाँ पे लोग जो है कि मतलब अपना गंगा स्नान हो गया, जैसे कि स्नान वगैरह होता है तो यहाँ पे लोग आते हैं। तो चलो फिर अभी यहाँ दिखाते हैं कि इधर क्या क्या है और कैसे मतलब लॉकडाउन में इधर का पूरा जो सेफ्टी का है वो कैसा बनाया हुआ है, वॉशरूम वगैरह। तो ये है मार्केट, मतलब यहाँ का जो है रूम वगैरह, रूम नहीं यार वो मार्केट वगैरह है। इधर खाना वाना मिलेगा आपको, ठीक है। तो इधर से हमें जाना है अंदर, तो हमें सैनिटाइजेशन होगा हमारे पास। चलो मैं भी कर लेता हूँ। तो इधर है खाने पीने का सामान और ये है ढाबा, इधर मिल रहा है खाना बड़ा बड़ा सा। और क्या है इधर देखते हैं थोड़ा अंदर जाके। इधर भी सब खाने पीने का ही है सामान, बट हम खाना पीना अभी कुछ कर नहीं रहे इधर, क्योंकि अभी हम लेके आए हैं तो हम ज़्यादा इधर खाना वगैरह नहीं खा रहे, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं, ठीक है। तो अभी चलो फिर इधर से ही एग्ज़िट देते हैं दोबारा, बाकी वॉशरूम दिखाता हूँ अभी मैं। बाकी जो वॉशरूम थे ना, वो वॉशरूम इधर पूरे जो हैं फ्री है सबके लिए, तो यहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह के लिए भी यहाँ पे रुक सकते हो। और बाकी चलो मैं अब उस साइड चलता हूँ, गाड़ी में ही खाना खाते हैं। अब करते हैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी और इसमें हम लाए हैं सूजी। सूजी को क्या कहते हो? सूजी का हलवा। बहुत टाइट हो रखा है ऐसे। तो ये हमारा हलवा पूरा तगड़ा हो रखा है, ठीक है। ये भाई साहब को पता नहीं कहाँ गए, तो वो भी खा लेते। और पीछे है चाय और रोटी का है, रोटी उसमें। ये खाना कैसे है? खाना था नहीं और ये है हमारे रोटियाँ। तो ये जो छोला रोटियाँ हैं ये मैं इसकी वीडियो मैंने बना रखी है पहले, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। ये हमारी छोला रोटियाँ हो गई, ये हमारी सूजी हो गई और ये हो गई चाय, ठीक है। अब इसको खाते हैं पहले। थर्मस का ढक्कन मुझे लग रहा है कि सही से नहीं लगा था, चाय ठंडी होगी थोड़ी बहुत। जी पहुंच गए हम दिल्ली में और अभी यहाँ पर भी मौसम मतलब ठीक ही हो रखा है, इतना ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है अभी, तो पहले से अभी बेटर है थोड़ा। अभी तो कुछ दिनों में तो हो ही जाएगा वैसे बुरा हाल फिर दोबारा से।
फाइनली पहुंच चुके हैं हम घर अभी, और अभी मैं हूं अपने नाना जी के घर। तो अभी मेरे पास घर नहीं है, तो मेरे पास घर पता नहीं कल परसों जाएंगे हम ढूंढने के लिए, ठीक है। अभी हमारे पास हम ऐसी अभी सामान हमने बाहर ही रखा है, और अभी बाहर ही रहेंगे थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर में जाएंगे अंदर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव हरियाणा में, जहां पे मैं रहता हूं। और अभी एक्चुअली मैं रहता नहीं हूं, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने अपना जो रूम था वो मैंने खाली कर दिया था जब मैं घर गया था, और अभी मैं हूं अपने नाना जी के घर पे। एक दो दिन यहीं पे रहेंगे, और उसके बाद हम मतलब आजकल मैं ही मतलब रूम ढूंढ लूँगा मैं, तो उसके बाद हम इधर ही शिफ्ट हो जाऊँगा मैं। और पहले भी मैं यहीं पे रहता था, सामने ही रहता था मैं पहले भी, बट मैंने रूम खाली कर दिया उसमें बीच में। तो जो यहाँ की लोकेशन है, लोकेशन बहुत अच्छी है यहाँ पे, मतलब अच्छी खासी लोकेशन है, और रूम भी जो है अच्छे खासे मिल जाते हैं यहाँ पे, मतलब रेट पे, किफ़ायती रेट पे। तो मुझे एक्चुअली ऐसा नहीं लगता कि यार ना खाली में हम 20-25 हज़ार रुपये का रूम लूँगा मैं, और फिर उसमें कुछ बचेगा नहीं। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि इधर अच्छा है। मुझे वैसे भी सोअप करने की आदत नहीं है, तो मेरे पास जितने में हो जाता है मेरा, और जितना मेरा बचता है वो मेरा सब ट्रैवल में ही चला जाता है। तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि यार मतलब 20-25 हज़ार रुपये का मैं रूम लूँ, और मैं मतलब आपको कहूँ कि मैं पार्क प्लेस में रहता हूँ, इधर उधर रहता हूँ, अच्छे खासे मतलब फ्लैट्स में रहता हूँ, तो ये सब अच्छा नहीं लगता। और बाकी अभी इधर ही देखेंगे रूम, और रूम का भी मैं बताऊँगा कि मतलब कैसी लोकेशन में मिला है। सबसे पहले मैं आपको ऊपर जाके अभी लोकेशन बताता हूँ। ये है यहाँ की लोकेशन, और लोकेशन मतलब बहुत ही अच्छी है। उस तरफ वो हैं फ्लैट्स भी हैं, और रूम्स भी अगर मतलब इधर पीजी वगैरह भी है, और इस साइड है, इस साइड पूरे फ्लैट हैं, ये पूरे आपको इस साइड ये पूरे फ्लैट दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी इधर ये जो रोड है, इधर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मतलब इससे ऊपर अभी रोड बनने वाली है दोबारा से। और लोकेशन ये है पूरी, तो अभी इस ब्लॉग में फिर इतना ही रखते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ रूम देखने के लिए, और एक्चुअली यहाँ पे हरियाणा में हूँ ना मैं, तो यहाँ पे लोग मतलब जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी खतरनाक वाली होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा डर भी लगता है, वैसे भी मैं सॉफ्ट वाला और यहाँ की लैंग्वेज, ठीक है। तो इस ब्लॉग में इतना ही रख रहे हैं, तब तक के लिए बाय बाय। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना हो कर दे, फिर चलते हैं अब, बाय बाय।